हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर के दिन का ये ब्लॉग है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 1 या 2 बजे से। टाइमिंग अच्छे से याद नहीं था, लेकिन मीठी के बर्थडे का तैयारी करना था, उसी का तैयारी चल रहा है। जो भी ख़रीदना है, जो भी करना है, तो हम लोगों को जाना था थोड़ा सा बाहर मॉल में, दो पर्पस से। एक तो कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी और दूसरा थोड़ा इसको मस्ती करवाना था। अगर आप मॉल में ले जाओ बच्चे को तो सारा मस्ती वहाँ हो जाता है, जो जैसे गाड़ी पे चढ़ना, ट्रैम्पलिन, झूला वगैरह, जो भी मन है बच्चों के लिए बहुत चीज़ें होता है। तो बच्चों को जो है ना इसी सब चीज़ों से खुशी मिलती है। तो अगर आपको खुश देखना है बच्चों को, आपको देखना है और उसको खुश करना है, तो आप एक बार ज़रूर मॉल ले जाइए। और चूंकि 25 दिसंबर आने वाला था एक दिन बाद, तो पूरा प्रिपरेशन यहाँ हो चुका है। क्रिसमस डे का पूरा तैयारी हो चुका है और हमेशा यहाँ पे जो है ना कोई थीम रखा जाता है। जैसे ही मॉल में एंटर करते हैं तो लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ किया ही हुआ रहता है। जैसे जो चीज़ आने वाला है उन चीज़ों का, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये वो हुआ, या फिर जैसे क्रिसमस डे हुआ, और नहीं तो नॉर्मली भी कुछ कुछ चीज़ें रहता है। तो यहाँ मेठी लोगों का गाड़ी हो गया, गाड़ी पे घूम ली जब तक हम लोग सेल्फ़ी ले रहे थे, मतलब बच्चों को भी देख रहे थे और साथ ही साथ सेल्फ़ी भी ले रहे थे। बगल अगल का जो आवाज़ है उसको इग्नोर कीजिएगा, जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो बच्चे इधर उधर हल्ला करते ही रहते हैं। तो जब छोटे बच्चे मॉल में जाते हैं ना, तो ये हाल होता है कि आप कपड़ा देखने से ज़्यादा बच्चे को ही देखो, वो इधर उधर क्या कर लेगा, गिर जाता है बार बार। एक तो उसका जो टाइल्स होता है इतना फिसलाव होता है, बार बार गिरता है, इधर उधर किसी को छू दिया, किसी को ऐसे कर दिया, कपड़े खींच दिया, मतलब तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, समझ में नहीं आता कि कपड़े देखे या इसको देखे, और इतना ज़्यादा दौड़ाता है इधर से उधर। यहाँ मुझे लेना था मीठे के लिए कुछ ड्रेस, बाबू के लिए अभी कुछ नहीं लूँगी क्योंकि उसके लिए मंगाना मतलब इतना ये हो गया है कि बहुत जल्दी जल्दी उसका कपड़ा छोटा हो गया है। तो मीठी के लिए मैं सोच रही थी लेने का, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, जॉगर शेक अभी आया है वेलवेट वाला, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेलवेट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वेलवेट वाला जॉगर शेक महंगा लग रहा है। उसके लिए भी लेने का अच्छा, और मीठी के लिए भी ऐसा मन था कि एक ही कलर में मैं दोनों ले लूँ, लेकिन महंगा थोड़ा लग रहा था, और फिर मतलब ज़्यादा भी महंगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी जैसे 1400 का अगर बड़ों का है तो 1400 में ही छोटों का भी आएगा, बच्चे का भी 1400, अगर 1400 का अगर हमारा है तो मीठी का भी 1400 का ही आएगा। और हर चीज़ तो महंगा ही रहता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फर्स्ट प्राइस से चीज़ें मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का ब्रांडेड भी मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छा और सस्ता भी मिल जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर फर्स्ट प्राइस से शॉपिंग करती हूँ। मिला चुकी हूँ मैं मॉल में और फर्स्ट क्राई में, तभी मैं लेती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही ले लेती हूँ, कोई वजह तो है ना। यहाँ पे हर चीज़ ही आपको महंगा मिलेगा, तो मैं तब लेती हूँ जब ज़रूरी है और ऑनलाइन नहीं आ पाया। जैसे कि छठ में कपड़ा जो ऑर्डर हुआ था वो आया बाद में, टाइम पे नहीं आ पाया, इस वजह से मीठी का ड्रेस जो है वो फर्स्ट क्राई दुकान से लिया गया था। मुजफ्फरपुर में फर्स्ट क्राई है, दो दो शॉप है, तो वहाँ से लिया गया था, जो कि ज़्यादा ही महंगा लगा था क्योंकि वैसे तो। और हाँ, मुझे लेना था सॉफ्ट टॉय मीठी के लिए, मतलब गिफ्ट के तौर पे, तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ। इतने ज़्यादा मतलब मन कर रहा था कि सारे ही ले लूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मन कर रहा था कि हर एक में से एक एक ले लूँ ऐसा। और ये वीडियो मीठी शूट कर रही है, यहाँ पे हाथ है मीठी का, देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मीठी मेरे लिए कुछ शूट कर रही है। और बाद में पता चला कि यहाँ वीडियो लेना भी नहीं था, लेकिन हो गया था शूट, अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब मेरा मन था कि जैसे मैं कुछ ख़रीद रही हूँ तो उसका शूट करे मीठी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है नहीं वैसे, तो मैं अगर थोड़ा बच्चे से करवा लूँ, अगर सिखाऊंगी तो आ जाएगा, लेकिन मैं इसको ये इस सब चीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद इसका स्कूल हो जाएगा और फिर ऐसे ही डांस क्लास, ये सब जो जो मेरा मन है वो सब स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसके पास इतना ही टाइम नहीं रहेगा कि ये मम्मा का वीडियो शूट करते रहे। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे मैकडी में, और जैसे ही घर से निकलते हैं मीठी को प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है। वैसे तो जाना ही रहता है, जब मॉल में आए हैं तो खाएंगे पिएंगे ही, लेकिन मीठी को जल्दी लग जाता है भूख। तो मतलब हम लोग गए थे मैकडी में, उसको बर्गर खाना था, और बर्गर हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं शादी करके आई थी तभी मुझे पता चला था कि इनको बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा से मतलब लगभग कुछ कुछ दिन पे मैकडी जाते ही थे, मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार तो जाते ही थे। बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा दिन हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ आ गया है बर्गर और फ्रेंच फ्राई और कोक। और हम लोग कुछ भी खाते हैं लेकिन बाबू सब कुछ नहीं खाता है, वो कोका कोला ठंडा जल्दी पी जाता है। जितना आप नहीं जल्दी पी सकते हो ना, उतना जल्दी वो पी सकता है। पता नहीं कैसे गले में बर्दाश्त होता है, हम लोग तो ज़्यादा मतलब एकदम लगातार पीने में गले में बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो ये घूंट में पीते 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 रह जाता। पता नहीं क्या चीज़ का उसका गला है, समझ में नहीं आता है। और फ्रेंच फ्राई खाता है थोड़ा बहुत, तो बस यही है उसके लिए, यही दो चीज़ होता है। और बाबू यहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, रो रहा है, किचकिच कर रहा है। वो इसलिए कि मीठी जो भी चीज़ ले रही है उसको वो चाहिए, जैसे बैग है, पर्स है, जो भी है, खिलौने हैं, जो जो उसको अभी बर्थडे में मिला है गिफ्ट में, वो सब चीज़ जैसे वो ओपन करके खेलना चाहती है, तो वो मीठी को देना ही नहीं चाहता है, वो खुद ही खेलना चाहता है, उसको छूने ही नहीं दे रहा है। अगर वो छू रही है तो ये ऐसे हल्ला कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे खा पी चुके हैं, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर, और मीठी कुछ मस्ती अंदर की है, कुछ मस्ती बाहर करेगी, कुछ आउटडोर है, कुछ इंडोर है। तो अब आउटडोर में आ जाएंगे हम लोग। और वैसे ना मेला टाइप से भी लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ पार्क के बाहर भी मिल रही थी, मतलब वो भी शायद सॉरी मॉल के बाहर भी मिल रही थी, लेकिन वो भी मॉल के अंदर ही आता है। बट मुझे नहीं लेना था, जैसे ज्वेलरी वगैरह और भी बहुत सारे चीज़ जो नॉन ब्रांडेड होता है, वो सब कुछ मतलब कपड़े, बैग, मतलब हर एक चीज़ मिल रहा था बाहर में भी, जो कि अंदर में मिलता है उस तरह से लगा हुआ था। और कुछ जो है बाहर में भी, कुछ जैसे बाटा हो गया, मतलब कुछ कुछ जो शॉप वगैरह है वो बाहर में भी था। तो हस्बैंड कुछ देखने गए थे, और यहाँ पे मीठी अपना जंपिंग ट्रैम्पलिंग कर रही है, थोड़ा मस्ती इसी का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि कहीं भी जाती है तो इसको खाना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, सब कुछ इसका होता है। बाकी छोटा वाला तो ज़्यादा छोटा है, वो इस पर जा नहीं सकता था, तो इसलिए उसको मैं नहीं अंदर भेजी। और इसके बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी। जैसे हम लोग मतलब यहाँ पे ये सुविधा बहुत अच्छा है कि जैसे हम लोग निकलो बस ड्राइवर को फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगे। उसके बाद जो रिलैक्स मिलता है, क्योंकि 2-3 घंटे मॉल में आराम से लग जाता है, जैसे कि 6 बजे आए होंगे, अभी टाइम तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन 3 से 4 घंटा लग जाता है मॉल में और बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो वो जो थकावट होता है और हील सैंडल पहनो और ये वो बैग इतना भारी लगता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है। तो एकदम गाड़ी आने के बाद जो रिलैक्स मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और एकदम मस्ती में। अभी इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है यहाँ पे, बहुत कम ही ठंड है, देख सकते हो स्वेटर वगैरह कोई भी नहीं पहने हुए हैं। और पता है जब कम ठंड होता है ना तभी ज़्यादा बॉडी में लगता है, छोटे बच्चे को तो खास करके, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, कम ठंडा होता है तो कान में टोपी नहीं पहनता है, जो कि बाबू को बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये पता नहीं आँख में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो तो इन्फेक्शन ही बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं बताना। आँख में एक छोटा सा घाव टाइप से हो जाता, मतलब पहला दिन ऐसे ही
थोड़ा छोटा मतलब होगा, उसके बाद 3-4 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले ये पूरा बहता है, ब्लड इसमें से निकलता है और पस निकलता है, उसके बाद ठीक होता है। मीठी को भी कई बार ये ऐसा हुआ करता था पहले, अभी नहीं हो रहा है कुछ दिन से भगवान के कृपा से, लेकिन बाबू को हो गया है। और इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत असर हुआ था, लेकिन इतना बड़ा नहीं निकला था जितना बड़ा बाबू को निकला है। तो वहाँ से ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, उसका कुछ क्लिप ऐड कर रही हूँ क्योंकि घर में कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और पता है आजकल मीठी अपने बचपन का वीडियो बहुत ज़्यादा देख रही है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो कुछ कुछ ऐसे निकलवाने का मन था फ़ोटो, तो लैपटॉप में ऐसे ही दिखा रहे थे उसके पापा। मतलब जब मैं यूट्यूब पे थी भी नहीं, यहाँ तक कि सोची भी नहीं थी कभी कि मैं यूट्यूब में आऊँगी, और तब मैं इतना वीडियो लेती थी। और वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि देखिए आप लोग बोलते हो कि वीडियो अब यूट्यूब के लिए, तब तो मैं यूट्यूब पर थी भी नहीं, तब इतना वीडियो लिया करती थी। क्यों पता है? क्योंकि मुझे मेमोरी चाहिए बच्चों का, जो अभी जो कर रहा है वो बाद में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जैसे ये जो अभी सीन चल रहा है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बाबू अपने हाथ से एक लड्डू खा लेता है पूरा, और इसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए भले गिराता है लेकिन खा लेता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आधे पर से कट कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, बहुत लेट भी हो गया है। बाय बाय।